हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। आज हमारे चैनल WXYZ ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खूंटी जिला के बारे में आपसे बातें करेंगे। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके आप इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। खूंटी ज़िला पहले रांची ज़िला का हिस्सा था और रांची ज़िला लोहरदगा ज़िला का हिस्सा था, लेकिन भारत के संविधान के बाद रांची एक नया ज़िला बना और नया झारखंड राज्य बनने के बाद खूंटी एक नया ज़िला बना। ब्रिटिश काल में बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी ज़िला में हुआ था, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। खूंटी रांची ज़िला के अनुमंडल के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब झारखंड राज्य की स्थापना हुई उसके बाद 12 सितंबर 2007 को झारखंड के 23वें ज़िले के रूप में खूंटी ज़िले की स्थापना की गई। खूंटी ज़िला बहुत ही सुंदर है। यह हरी भरी वादियों और घाटी झरनों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ अनेक पर्यटन स्थल है, जिनमें से कुछ खास हैं पंचघाग, पेरवा घाग, डियर पार्क, कोली हाथू और डोमारी ब्रू। कोली हाथू जहाँ बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसे हम आंगराबारी के नाम से जानते हैं। इसे लोग छोटी बाबा धाम भी कहते हैं। यह बहुत ही प्राचीन है। यह अमरेश्वर ग्राम के समीप है। यहाँ का दृश्य भी बहुत ही मनमोहक और खूबसूरत है। जब खूंटी को एक मुख्यालय बनाया गया तो इनके 6 प्रखंड भी बनाए गए। ये अर्की, कर्रा, खूंटी, मुरहू, रनिया और तुरपा है। आपको यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए और आज के दौर में अपना और अपनों का ख्याल रखिए।